ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 12 सितंबर की ईश्वर वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम क्रोध और अभिमान पर जीत पालें। और उन्होंने एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा जो एक वायरस बताया, जो कि हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, जिस कारण से हमारे अंदर क्रोध और अभिमान आता है, उस वायरस को भी आज हम पता करेंगे। और उसको निकालना है, कैसे निकालना है वो भी हम समझेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर। मेरापन ही वायरस है। मेरा लैपटॉप, मेरा फ़ोन, मेरा आइडिया, मेरी सोच, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, तो ये मेरा, यही चीज़ प्रॉब्लम लेके आती है। तो मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भवा। और जब हमें क्रोध आता है तो वह व्यक्ति हमें पूरे दिन याद आएगा। जब हमें अभिमान आता है तो वो चीज़ हमें हमेशा याद आती है, वो व्यक्ति हमेशा याद आता है, वो सिचुएशन हमेशा याद आती है। और हम फोकस नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, हम उस प्रेजेंट मोमेंट में हम खुश नहीं रह पाते, बिकॉज हम पास्ट में जा रहे होते हैं और हम बार बार सोच रहे होते हैं कि काश मैंने ऐसा बोला था, काश मैं उसको समझा दिया होता, काश उसको मैंने उसकी औकात दिखा दी होती, काश मैंने उसको ऐसा बोल दिया होता, और उसको मैं क्या बोलूँ नेक्स्ट टाइम ताकि वो समझे कि मैं ही राइट हूँ, मैं ही सही हूँ। और यही चीज़ें हमें बंधन में डाल देती है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने नहीं देती हैं। मानते कि नहीं मानते आप ये बात, है ना? तो परमात्मा कहते हैं जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, मैंने बोला था ना ऐसे नहीं करना, क्यों किया आपने ऐसे, ये मेरी है या मेरा है तो क्रोध, ये मेरी है तो मेरे अनुसार चलेगी, ये मेरा है तो मेरे अनुसार चलेगा, मेरी बात मानेगा, मेरी बात मानेगी, मेरे अनुसार चलेगा। क्यों? मैंने इसको जॉब में लगाया है, मैंने इसको पेमेंट करी, मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ, मैं या दे रही हूँ इसको मैं, या इसको मैंने अपने घर में रखा हुआ है, या मैंने इसको हायर किया हुआ है, या ये मैंने खरीदा हुआ है इतनी मेहनत करके, ये मेरा है, ये मेरे अनुसार होगा। परमात्मा कहते हैं यही क्रोध का कारण है। तो परमात्मा कहते हैं लेकिन यह सेवा के स्थान के साथ ही हैं, ना कि मेरे का अधिकार है। तो मेरा को अगर हटाना है तो ये सोचो कि घर में भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सिर्फ इस दुनिया में एक्टिंग करना है, एक दूसरे की मदद करना है, सेवा करना है, और जिसकी जितनी कैपेसिटी वो उतना करेगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से भी क्रोध आता है कि मेरा हस्बैंड हो कि मेरी वाइफ हो कि मेरा इतना नहीं कर रहा है, मेरा भाई हो कि मेरा इतना काम नहीं कर रहा है, पूछता नहीं मेरे को, ये नहीं करता, ये सारी चीज़ें क्रोध लेके आती हैं, अभिमान लेके आती हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, वो है, ये है, वो है, ये सब कुछ मेरापन, मेरा आइडिया, मेरा पैसा था, मैंने किया था, मैंने ये करा था, मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, मैंने सोचा था, मैंने प्लान किया था, मेरा आइडिया था, ये सब कुछ हमें क्रोध लेके आता है और अभिमान लेके आता है। तो जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं, सिंपल। तो हम प्रेजेंट में हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो कि मेरी दुनिया में कोई नहीं है। आप सोचिए ना, आपके सामने ये फ़ोन है जिसे आप देख रहे हैं, या आपके पास में ये लैपटॉप है जिसपे आप देख रहे हैं, क्या वो आपका है? कब तक आपका? कोई डेट, कोई फिक्स्ड इन्फिनिटी है? नहीं है। उसी तरीके से अगर आप रिलेशनशिप को देखिए अपने लाइफ में, अपनी जॉब को देख लीजिए, अपने बिजनेस को देख लीजिए, हमेशा के लिए कोई गारंटी नहीं। तो जब मेरापन नहीं है, जो मेरी चीज़ नहीं है, तो आप सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह काम कर रहे हैं, जितना समय दे पा रहे हैं, जितनी एनर्जी दे पा रहे हैं आप कर रहे हैं उसमें, लेकिन आपको कोई लगाव नहीं हो रहा है कि मैंने इतनी एनर्जी डाली, मैंने इतना पैसा डाला, मैंने इतना उसमें गुड़ डाला, मैंने इतनी चीनी डाली, मैंने इतना काम किया, मैं नहीं और मेरा 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 नहीं, तब जाके आप क्रोध के ऊपर और अभिमान के ऊपर जीत पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो परमात्मा ने हमें बता दिया है कि वायरस है मेरा। अब ये सॉफ्टवेयर है ना, जो आत्मा, ये जो मन है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप छू नहीं सकते हो। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये मेरा वाला वायरस है ना, इसको हटाना की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, वायरस चेक करना पड़ेगा। हर दिन आप लैपटॉप खोलेंगे तो वायरस चेक होता है। तो ये भी क्या होता है, आँखें खोलते हैं ना सुबह, नींद से उठते हैं, तो ये वायरस चेक करना बहुत ज़रूरी है, एंटीवायरस चलाना बहुत ज़रूरी है। सुबह मेडिटेशन कहते हैं, आप हर दिन देखिए सुबह उठ करके, कल मैंने कोई मेरा मेरा तो नहीं किया, आज मेरे को कोई मेरा मेरा तो नहीं आ रहा है, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमात्मा कहते हैं एक बाप को अपना संसार बना लो कि मेरा कुछ नहीं है, बस कौन है? परमपिता परमात्मा, भगवान, गॉडफादर, इन्फिनाइट एनर्जी, क्वांटम फील्ड, इन्फिनाइट सोर्स, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, या पूरे विश्व का रचयिता, पूरा विश्व का किरण प्रकाश, आप उनको जो भी कहना चाहें वो आपके हैं, और इस दुनिया में और कुछ आपका नहीं है। ऐसे बोले हम मुसाफिर हैं यहाँ पर बस इस दुनिया में। तो एक बाप दूसरा ना कोई, बाप बोलो, पिता बोलो, जो भी बोलो, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमज़ोर संस्कारों का भी बंधन नहीं, क्योंकि कमज़ोर संस्कार है नहीं है, मेरा 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 करना क्या है, कमज़ोर संस्कार है। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में जमा समा जाता है। तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है,
जब और कुछ है ही नहीं मेरा, सिर्फ एक परमात्मा मेरा है, वो एक ऊर्जा मेरी है और इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, तो मेरे को गुस्सा क्यों आएगा? सब अपने तरीके से चलें, सब आत्माएं अपने तरीके से काम करें, नुकसान हो फायदा हो वो सब कुछ यहीं छूट के चला जाएगा, चाहे धन का नुकसान हो फायदा हो यहीं छूट के चला जाएगा, आप छोड़ के चले जाएंगे यहाँ पर, लेकिन आपको खुश रहना है इस समय, और कुछ नहीं चाहिए। सिचुएशंस आएंगी लेकिन खुश रहने के लिए मेरा नहीं, मैंने बोला था ना ऐसे नहीं करना, देखा क्या हो गया। बस इन चीज़ों से अगर हम डिटैच रहें तो हम हर चीज़ को फेस कर सकते हैं खुशी खुशी, चाहे वो बुरे कर्मिक अकाउंट्स भी हमारे उसको हम फेस कर सकते बिना ब्लेम, बिना कंप्लेन, बिना क्रिटिसाइज करे हुए, क्योंकि जो चीज़ मेरी होती है उसको तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसी को तो हम ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो इसलिए सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है, बहुत सिंपल। पर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ये करेंगे कैसे प्रैक्टिस, आगे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। इसके साथ ओम शांति।